आतिफ भाई दाना दिया अभी को कि नहीं? मैंने नहीं अभी दिया। तो ये लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है। ये क्या है इसमें? देखो क्या है। तो यार ये देखो, हमारा एक सील चूजा आया छोटा सा। ये सामने वाला जो हमसाये है ना हमारे, उनके पास एक ही था, वो मुझे शाम को दे गए थे। मैंने रात को ना इसको डब्बे में बंद करके रख लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यार इस चूजे पर ना बहुत ज्यादा जुल्म हुआ पड़ा है। इसकी एक हड्डी को मसला है मेरे ख्याल से, टांग की। इसका जो आती भाई वो पोटा ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे जख्म है। इतना बड़ा जख्म है। रात को इसको सर्दी लग रही थी तो मैंने इसको डब्बे में बंद करके ना कमरे में रख लिया था। तो सुबह अब ऊपर लेकर आये इनको। अभी फिलहाल हमने ना अपने चूजों के साथ नहीं रखना, इसको आती भाई लैदा रखना है। ठीक है, लैदा रखते हैं यार। इसकी पता तो चले ये बीमार तो नहीं, वैसे एक्टिव हो गया हुआ है। रात को यार बिल्कुल ही ऐसे इकट्ठा हुआ पड़ा था जैसे पता नहीं इसको क्या हुआ है। तो इनको छोड़ते हैं यार, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। टाइम भी इनका हो गया दाने का। चलो भाई दादा। और यार माशाल्लाह देखो, काफी ज्यादा लंबाई लग रही है इनकी। ये व्हाइट वाले की, ब्लैक वाले की और इसकी भी। यार रातों रात में आती भाई ये हुआ फर्क है। अरे इसको ना मारो, बदतमीज बदमाश हो तुम लोग। भाई ये देखो ना, ये मारता है उसको। ये वाला यार बदमाश हो गया, मारना शुरू हो गया उसको। उसकी टांग को मसला है, हम कहते हैं कि यार उसको मसला ना बने। उसको हम पकड़ के ना वो वाले केज में बंद करते हैं जिसमें इनको बंद किया था रात को। वहां पर ना प्लास्टिक वाली कोलियां लगा के इसको दाना पानी देते है। मैडम आ जाओ यार, तुमने यार बच्चे नीचे दे देती अपने छलांगे लगा लगा के। इसको देखो देखो स्टापू खेल रहा है। चलो भाई राव। ओह यार ये पायलट उसके पीछे भागना शुरू हो गया। लो भाई वो चूजे को तंग करना शुरू हो गया। इधर आओ यार, पिजन इंतजार कर रहे हैं दाने को। आतिफ भाई दाना तो डालो इनको, और इनको भी छोड़ दे यार चली मिली को। आ जाओ भाई, चलो इधर आओ। कैसे फुदक रहे हैं यार। ओ ये क्या हुआ आतिफ भाई? ओ इधर आओ यार, देखो यार एक बच्चा है यहाँ पे। वो देखो, तीन कट्ठे बैठ गए। वो ये क्या हो रहा है? ये वाला था ना? ये कैसे गया इसके अंदर? ये चल सकता है? हाँ चल सकता है यार। ये कैसे हुआ दोस्तों? ये ना मादी और मादा, ये दोनों जो है ना जालिम है। इनके तो पर खाए ही थे, तो ये देखे अपनों के भी इसने खाए हुए बीच में से। और यार हमारी ना बसंती बाहर आ गई है, ये वहीं से आई है दोबारा। इसने अच्छा काम पकड़ा हुआ है, हम तो घर नहीं होंगे तो यहाँ से बाहर आ जाया करेगी। इसको आना नहीं आता। चलो आ जाओ तुम भी भाई। यार ये जिंदगी में ना पहली बार ऐसा हुआ है। एक तो हमारा जो चिली है ना, ये एकदम बड़ा हुआ है, इसका पता ही नहीं चला कब बड़ा हो गया। तो यार रात को जैसे ही बंद की है ना हमने, तो सुबह मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये बहुत ज्यादा बड़े हो गए। आतिफ भाई तुम्हें लग रहा है? नहीं यार, पहले पहले जब निकले थे ना, हाँ। लग रहा था मुझे। तो यार अब देखो ना, मुझे तो बहुत बड़े लग रहे हैं यार। ये ब्लैक कलर का ना, गौर से देखो ना, इसको भी देखो। वैसे फर्क है यार, मुझे तो लग रहा है जैसे देखो ना यार, नीचे से बड़े लग रहे हैं, ऊपर देखो तो कुछ छोटे लग रहे हैं। ये देखो इसको भी मसाला काफी बड़ा हो गया। ये भी हमारे स्टूडेंट की फीड खत्म हुई है, तो इनकी फीड लेकर आनी पड़ेगी। फिलहाल मैं कपड़ा ऊपर कर देता हूँ तो आगे ये शोर ना मचाए। वो देखो यार एक्टिव हो गए और घूम रहे हैं यार, केज के अंदर चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल। यार देखो खाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे पास इनके चावल खत्म हुए हैं, तो अभी लेकर आते हैं चावल। तो यार कल भी एक मर गया था, अब्बू ने कल उठाया जब हम कजन के सेटअप पर गए थे, अब्बू ने उठा के बाहर फेंका। तो ये कहाँ पर आ गया उड़ के? लो आतिफ भाई फीड दे रहा है वहां पर, तो ये उड़ के यहाँ पे आ गए। यार ये उड़ लेता है यार, वहां से आया उड़ के यहाँ पे आगे बैठा है। ओ यार इसने ना कम ही फ्लाई किया, लेकिन पहले वहां से यहाँ तक आया था। कोई भी इनको मारता है मारने देते हैं इनको यार, अब मैंने ना बाहर छोड़ना शुरू कर देना है। चलो आ जाओ भाई, इनको घूमने देते हैं जहाँ पे घूमते हैं। यार ये ना बहुत ही शूटर जाते हैं और अन्य वहां जाते हैं, किसी को नीचे दे देते हैं। कभी कभार मैडम के बच्चों को भी नीचे दिए, इनको नहीं पता चलता आगे कौन आ गया, ये ऊपर से गुजर जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट किए चिक्स की केयर के हवाले से। तो यार अब्बू का ना पोल्ट्री फार्म था पहले माजी में, तो यार उन्होंने हमें जो कहा वो हम वैसे ही कर रहे हैं। पानी वगैरह भी पिला रहे हैं, जिस तरह रखना है वैसे ही रख रहे हैं हम। तो इनको मैं बाहर छोड़ देता हूँ, ये देखो ना शोर मचा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो पुरानी साइंस थी या फिर अब नहीं आ गई है, जैसे वो कह रहे हैं मैं वैसे करता जा रहा हूँ। तो आ जाओ भाई, ये सभी आ गए हैं भाई। देखो यार ये खुद ही अपनी जगह पे पहुंच गए, काफी ज्यादा वहां पे चले गए। अब तो इन्होंने घूमना है पूरी छत के ऊपर, यहाँ पे हमने जंगला ढांप दिया हुआ है, तो आगे नीचे ना चले जाए। इधर आओ इधर आओ, इधर पानी पियो, आगे इधर आओ भाग के आओ। तो यार
यार इनको ना देख के दिल बड़ा खुश होता है यार। दोस्तों अगर हम पिजन छोड़ देना तो यार छत भर जानी है परिंदों से। ये देखे माशाल्लाह अभी तो रैबिट्स भी नहीं बाहर आ रहे, तो देखे यार खुद की मर्जी से जो जिसका जिधर को दिल करता है वहीं को जा रहे हैं। ओए ये मार रहा है यार, थ्री इडियट मार रहे हैं यार छोटे चिक्स को। चलो आतिफ भाई सभी को इकट्ठा करो। तो यार कहाँ कहाँ से आ गए, सारी छत पर फैले हुए हैं। ओ यार ये इनको देखो, तुम लोगों को कैसे पता चला इस बात का? दोस्तों आती को भेजा दाना लेने के लिए इनका, आती भाई जल्दी आना जरा क्योंकि इन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया। दोस्तों जितनी देर तक आती नहीं ना आता मैं आपको ना कॉस्ट बताता हूँ इस केज की। और यार ये भी बताता हूँ, लोग पूछ रहे थे कि आपकी सील जो है वो लड़ते क्यों नहीं है। गब्बर जो है ना ये लड़ता है पायलट के साथ, पायलट इसके साथ नहीं लड़ता क्योंकि गांव में ये सारे इकट्ठे रहते हैं, ये लड़ते नहीं आपस में। वो बसंती लड़ती थी मैडम के साथ, मैडम अपने बच्चों की वजह से अब नहीं लड़ती, बसंती कभी कभार इसको चूंचे मार देती है। और बहुत से लोग जिन्होंने यार ब्रीडिंग करवाई होती ना अपने घरों में या फिर हवेलियों में खुली जगह पे, वहां पे यार ये नहीं लड़, जो अगर लड़ना भी शुरू हो जाए ना दो या फिर तीन उनको लैदा कर देते हैं। फिर हमने भी ऐसे गाँव में किया हुआ है, जो लड़ते ना उनको लैदा कर देते हैं, बाकी ऐसे ही घूमते रहते हैं। अभी मैं पायलट को इसके गब्बर के साथ नीचे छोड़ू ना तो पायलट मार मार इसकी दुर्गत बना। सबसे पहले हमने दूसरी जो फाइट कराई थी ना पायलट की गब्बर के साथ करवाई थी, नीचे नीचे मारता है ऊपर डरता है सभी से। अब मैं आपको बताता हूँ कि केज की कॉस्ट कितनी आई है। यार ये जो लकड़ियां पॉपुलर की हम लेकर आए थे ना ये टोटल 1600 रुपए की आई थी। जाली 3 फुट ऊपर को थी और ऐसे 7 फुट थी। जाली और कब्जे वगैरह डाल के कुंडी वगैरह डाल के ये हमारा लगा था मेरे ख्याल से 1100 रुपया तकरीबन। तो तकरीबन हमने टोटल इसकी कॉस्ट निकाली है कील शील निकाल के, तो इसकी कॉस्ट निकल दी है 3000 रुपए। टोटल जितनी भी इसके ऊपर कॉस्ट आई ना वो 3000 रुपए आई है। यार इनको मैं इधर इकट्ठा करता हूँ, वहां पे जा रहे हैं। भागो भागो भागो, आजा आजा आजा, शाबाश यार मुझे चुंचे क्यों मार रहे हो? ये देखें यार चुंचे मार रहे हैं। इसको भी छोड़ते हैं यार, इसने बाजरा गिरा दिया और पानी अंदर रखा नहीं आती हमने। आ जाओ बाहर तुम ना, बाहर ही खाओ यार। देखो डर रहा है, इधर आओ आती ले आया दाना इनके लिए। आती भाई इनको इधर ही डालना है, ठीक है? इधर दाना गिराओ, सभी को इकट्ठा कर लो यहाँ पे। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, दाना खाओ दाना खाओ। ये इसको भी खाने दो, इसको भी खाने दो बीच में। तो यार सभी आ गए हुए हैं यहाँ पर, इनको बंद कर देते हैं, तीनों भाई चले जाएं। यार ये पाँव को मार रहे हैं उसके, यार सभी पाँव को मार रहे हैं। आती भाई ये देखो यार मैडम के बच्चे देखो ना, ये ऊपर आ गए अंदर जाते हैं, हम इनको बार बार भाई निकाल रहे हैं फिर आ जाते हैं। ये देखो तीन तो ये आ गए, ये देखो चौथा भी आ गए। और यार ये क्या कर रहे हैं, भाई निकालो इनको। यार ये कितने तेज है और ये मार रहे हैं यार उसको, वो परेशान हुआ पड़ा है। दोस्तों हम ना पायलट के रबर डालने लगे हैं, चीने के भी डालने हैं और गब्बर के रहने देंगे। गब्बर के रहने देते हैं क्योंकि ये ब्रीडर है, इसका कोई मसला नहीं है। ये यार फाइटर है, वो भी फाइटर है, इनके यार चंडी हो जानी है, ये छलांगे लगाते हैं। ये फाइट के दौरान हमने उतारी थी, अब इसके डाल देते हैं ताकि इसको चंडी ना हो जाए। यार छोड़ दो इसको, हमने ना इसके शूज पहना दिए हमने। चलो जाओ शाबाश माशाल्लाह। यार ये दोस्तों इसका साइज देखें, ये वो वाला पिजन है जो नए बच्चे निकले ना दो व्हाइट कलर के, ये वो वाला है यार, कमाल की चीज है यार। देखो दोस्तों आज मैं ना आपको फीमेल और मेल की पहचान भी बता देता हूँ। आपने ऐसे चूंच पकड़नी है, जो पिजन चूंच छुड़वा लेना जोर लगा के वो मेल है, जो ना छुड़वाए वो फीमेल है। और मेल की चूंच छोटी होती है, फीमेल की चूंच जो है ना वो बड़ी होती है मेल से। और एक आपने ये करना है, ऐसे पकड़ के ना इसको ऐसे बिठा देना, पूरा फोल्ड कर देना, पूरा फोल्ड कर देना। अगर तो कलबाजी लगा के सीधा हो जाए तो मेल है, अगर तो ना हो वो फीमेल है। फीमेल है। एक और निशानी होती है फीमेल की, फीमेल का सर बारीक होता है और मेल का सर थोड़ा सा भारी होता है। आती भाई जग्गू को लेकर आए, जग्गू का आपको आगे दिखाते हैं ये क्या चीज है। जिशान भाई अब जग्गू का बताओ, ये मेल है या फीमेल है? जग्गू को ना हमने टेस्ट नहीं किया ये क्या है, अब देखते हैं ये क्या चीज है। तो मुझे लग रहा है ये मेल है, ये देखो ना, ये देखो 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 इसका, ये देखो आ रहा है ना सीधा हो गया यार। ये देखो ये मेल है, ये भाग गया ना उड़ के। अरे यार बिल्ली बिल्ली चूजा लेगी। रुक रुक रुक, तेरी मैं बाहरा बाहरा जल्दी आ, तेरी मैं निकल भाई। यार चूजा लेगी बिल्ली। अरे यार 200 भी तो उसने मार दिया होगा, खा लिया होगा यार, बाहर नहीं आ रही।
कहाँ पे बैठी है? ये वाली जमीन पक्की है यार, इसलिए टूट नहीं रही। यार दोस्तों है तो ये भी जानवर ही है, इसको मारना नहीं था मैंने, मैंने चूजे की जान बचानी थी, मैंने कहा शायद छोड़ दे, तो यार पता नहीं अंदर चली गई, अंदर पता नहीं कौन सी इसने खुडी निकाली हुई यहाँ पर। ये जगह पक्की है तो मैं इसको हालांकि गिरा आगे इसका रास्ता भी बंद कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन ये भी जानवर है। खैर क्या कहना, मुझे लगता है अब तो मर गया होगा यार, बाहर ही नहीं आ रही, बहुत डीट है, मैं काफी देर यहाँ पर बैठा रहा। तो यार मैं ना यहाँ से आई कार्नर से, तो मैं वो कुर्सी पर बैठा था वहां पर, तो वहां से नजर नहीं आता, ये यहाँ से गई है नीचे और एक चूजा उठा लिया उसने, बाकी सभी सेव है यार। बिल्ली अभी छोटी थी इसलिए इनको कुछ नहीं हुआ, नहीं तो उसने उठा कर नहीं लेकर जाना था, यहीं पर मार देने थे। तो यहाँ पे देखे यहाँ पे दीवार आ जाती है, मेरी नजर यहाँ से लेकर वहां तक पड़ती है। पानी मैंने उठा लिया था अभी अभी मैंने रखा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं यार, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए पानी को टूट के पड़ गई। दोस्तों रैबिट्स का चारा भी आ गया, अबू लेकर आ गए, तो सभी को डाल दिया हुआ है, मुर्गियों मुर्गों को चूजों को भी। यार गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तरपाल का कुछ करना पड़ेगा। देखो सभी बड़े शौक से चारा खा रहे, नहीं तो इसको बहुत ज्यादा मार पड़ती थी, अब चारा मिला ना मैडम को, अब कुछ नहीं कह रही, बिल्कुल करीब होंगे। वो देखो ना पायलट डरता है कब्र से। तो यार हाथी देखो लड़ा रहा है, यार हाथी भाई तुम देर से आए यार, एक चूजा हमारा बिल्ली ले गई है, वो वाला यहाँ पता नहीं, मैं यहाँ पे बैठा था तो वो बिल्ली ना इधर से आई है, ये बिल्कुल कॉर्नर से एक लेकर गई है, एक लेकर गई है। यार मुझे भी पता नहीं लगना था बिल्ली का, वो तो आती भाई चिल्लाई, ये वाली मैडम और इसका साथ बसंती थी, ये सारे इकट्ठे इधर बैठे थे। यार आती कह रहा है कि मैंने सोटी हाथ में पकड़ी थी और इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, मैं देखता हूँ कौन सी बिल्ली आती है। तो यहाँ पर देखे मौसम जो है ना बहुत प्यारा हुआ पड़ा है और इतनी अच्छी आवाज आ रही है ना, तो आती भाई इनको बंद करें, इनको बंद करो यार, वो देखो मैडम का बच्चा भी कहाँ जा रहा है। आती भाई आज इनकी खूब दौड़ लगवाई, आती भाई नीचे ना दे देना। ओ यार ओ स्टूडेंट्स को क्या हो गया, छुट्टी होगी स्कूल से। यार ये वाली मूवमेंट बहुत प्यारी लगती है, जब इकट्ठे हो गए जैसे जंगों में घोड़े जाते थे ना ऐसे इकट्ठे हो गए, ये देखें अब दोबारा इस तरह को आ रहे हैं, माशाल्लाह यार बहुत प्यारे लगते हैं। यार मैडम को देखो, मैडम क्या कर रही है, क्या कर रही है, स्टूडेंट को लेके उधर चलेगी। और इधर आओ भाई आओ, ये तुम्हारा केज नहीं है। ओह वेरी नाइस। तो यार आतिफ अंदर चला गया, अंदर जाके बुला रहा हूँ, मैडम के बच्चे भी यार क्या कर रहे हैं, ये भी बीच में आ रहे हैं। अब ना हमने नया तरीका ढूंढा इनको अंदर बंद करने का, हम थोड़ा सा दाना लेंगे और साथ साथ इनको अंदर बुलाते जाएंगे। आदि भाई आहिस्ता आहिस्ता गिराना है दाना, ठीक है, ज्यादा नहीं, आहिस्ता थोड़ा थोड़ा गिराते जाओ, आवाज लगाते जाओ। यार इतनी हल्की आवाज क्यों निकाल रहे हो, जोर से निकालो। आती थक गया भाई, थक गया मेरा। यार आती ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया, तुमने बाहर आ जाना था, हमने ना नए केज में शिफ्ट कर दिया, वो छोटे बच्चे की वजह से, वो सामने जो नया आया ना उसकी वजह से ना बड़ों को नए केज में बंद कर दिया, क्योंकि बॉक्सेस बड़े हैं तो छोटे को सर्दी लगेगी, तो पायलट को इसमें कर दिया हुआ है ये वाले केज में और इसको इस वाले केज में। चलो भाई चलो चलो तुम लोग भी ये दूर आगे। यार अंडा एक बार देख लो, अंडा ना दिया हो इसने, नहीं दिया, बंद करो फिर इनको, अंडा लेकर आया मुझे कह रहा नहीं दिया, हाथ में लिया हुआ है। यार आज मैंने खाना था ये कालो। दोस्तों हम सोच रहे हैं कि सिल्कियों का ना जो हम लेकर आए ना यार अति भाई बस बीमारी ना लग जाए, वैसे वो तंदुरुस्त है, बीमार तो नहीं है, वैसे मुझे लगता है वो गिरा है जिसकी वजह से चोट लगी उसको। इसके साथ बंद करके देखो ना, फाइट तो नहीं करते। ओ यार ये तो डर रहा है यार, ये दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, रहने दो अति भाई, मैं कहता हूँ कर दिया बंद। और ये बाहर है अपनी तरफ से, इसने केज बंद कर दिया, मैं इसको बंद करके कुछ भी नहीं, वैसे डर रहे हैं यार। दोस्तों आज की वीडियो ये खत्म करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।